एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ छोले और भटूरे। तो बहुत ज्यादा दिन हो गया है और जब से आई हूँ तब से मतलब डैडी जी को मैं रहती हूँ तो कुछ अलग अलग सा सोचती हूँ, ट्राई मतलब खिलाऊं। अच्छा अच्छा ये देखिए, इनको दूध लेके अभी आए हैं, जिम गए थे ये, तो यहाँ भी इनका जिम शुरू हो गया। और यहाँ पे मैं पी रही हूँ छाछ। तो आजकल हम लोग मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के बाद छाछ पीते हैं। देखिए यक्षु का स्विमिंग पूल, यहाँ पे इनको खूब पानी मिल रहा है और खूब स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं। यक्षु मान नहीं रहे हैं, अभी अभी इनके दादू इसको फिल करा के लाए, एयर फिल करवाए हैं और फिर ये इसमें स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं। और इतनी तेज धूप निकली है। और ये हैं इनके भैया, हाय कर रहे हैं आप लोगों को। तो ये अभी आए हैं जस्ट, और इन्होंने ब्रेकफास्ट किया है। क्या ब्रेकफास्ट कराई हूँ? छोला समोसा। अरे क्या छोले भटूरे खाए हैं आज ही। आज क्या बनाया मैंने डिनर में? तो डिनर में बनी है चने की दाल, और मेरे ससुर जी के लिए अलग बनी है विदाउट टमाटर वाली। तो आज हम लोग खा रहे हैं दाल चावल रोटी सब्जी इंडियन फूड। और यहाँ खाना वगैरह खाने के बाद हम लोग निकल गए वॉक पे। तो मम्मी भी हैं साथ में और यक्षु नहीं आए हैं, यक्षु अपनी ड्राइंग कर रहे हैं घर पे। अंधेरी रातों में सुनसान सड़कों मस्ती आ जा रहा है। सच में रोड पे कोई भी नहीं है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो ये है नेक्स्ट मॉर्निंग का व्लॉग, और पता नहीं क्यों आवाज़ नहीं आ रही थी इसलिए मैंने वॉइस ओवर किया है। तो आज है बट सावित्री व्रत, तो हमारे मायके में होता है बट ससुराल में नहीं होता है। फिर भी मैंने साड़ी वगैरह पहन लिया है, पैर वर कलर कर लिया है। तो सुहाग का ये व्रत होता है और हमारे हिंदुओं में मतलब इस व्रत का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो हम लोग करते हैं बट हमारे ससुराल में नहीं होता इसलिए मैं नहीं करती हूँ। और अभी मम्मी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए वो लेटी हुई है। बस अभी जाऊंगी नीचे खाना वगैरह बनाने। अभी यक्षु अपना खेल हो रहा है तो इनको नहलाना है तो इसलिए मैं ऊपर ही थी। अभी मम्मी आने ही कहीं गई हुई हैं, तब तक मैं खाना बना लेती हूँ, फिर आएंगे। फिर थोड़ा सा कुछ काम था मार्केट में तो नीचे से ही चली गई हैं। और बना रही हूँ मैं लंच, लंच टाइम हो गया इस टाइम, तो बस लंच बनाते हैं और फिर चलते हैं आप लोग से। और यहाँ पे हम लोग आ गए थे ऊपर थोड़ा सा प्लांट में पानी वगैरह डालने, क्योंकि इतनी तेज़ धूप हो रही है। तो बस यहाँ पे तो एक रील बनाया मैंने इंस्टा, अगर आप लोग मेरा देखते हो तो उस पर देख लेना। और यहाँ पे शाम के टाइम हम लोग निकले थे मार्केट के लिए, कुछ सामान लेना था हमें। तो फिर मैं सोची मंदिर था तो मंदिर में आ गई, मैं दर्शन मिल गया हमें भोलेनाथ जी का, दुर्गा जी का। यहाँ पे मैं थोड़ी देर बैठी थी, हस्बैंड को जो सामान लेना था वो ले लिए और मुझे बहुत ही अच्छा सा पॉजिटिव वाइब्स आया यहाँ पे। फिर हम निकल गए घर के लिए अपना सामान वगैरह लेके। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो अभी चलते हैं नीचे, कपड़े फोल्ड कर रही हैं मम्मी, तो उनको ये भी दे देते हैं। और मैं बना रही हूँ लंच, और मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही स्पेशल सा डिश अपने सासुमा और ससुर जी के लिए, उनका फेवरेट है। तो आप लोग साथ रेसिपी शेयर करेंगे। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ दही भल्ले। तो जब भी मैं आती हूँ दिल्ली से तो मैं बनाती हूँ, मेरे हाथ का डैडी जी को मम्मी को मतलब पूरी फैमिली को पसंद है, तो इसलिए मैंने सोचा बना देते हैं, गर्मी तो लगी रहेगी। तो यहाँ पे मैंने उड़द का जो दाल है वो भिगो के रात को रख दिया था और सुबह से ग्राइंड कर लिया है। इसमें मैंने थोड़ा सा सॉल्ट और एक पिंच सोडा डाल के अच्छे से मिक्स कर दिया था। और ये हमारा जो है दही है इसको भी मैंने अच्छे से फेंट लिया है, तो मीठी दही रहती है तो ज़्यादा अच्छा बनता है।
और ये बैटर भी तैयार हो चुका है। आप लोग कैसे बनाते हो कमेंट में ज़रूर बताना। तो बस मैं अभी से फ्राई करने वाली हूँ दही भल्ले जो हैं वो रिफाइंड ऑयल में, और यहाँ पे थोड़ा सा शुगर मैंने ऐड किया दही में। और ये हमारे दही भल्ले जो हैं वो रेडी हो चुके हैं, और यहाँ पे मैंने जीरा और रेड चिल्ली पाउडर का मिक्सचर बनाया है भून के, उसको ऊपर से डालेंगे। अभी मेरा दही बड़ा रेडी हो चुका है, तो सबसे पहले मैं भोग लगाऊंगी अपने लड्डू गोपाल को, तो उनको ले चलते हैं भोग लगाते हैं। और आप लोग देखिए इतना सारा बनाया है, अभी और भी बना रही हूँ, अभी लंच नहीं किया हमने, तो फिर लंच करेंगे। तो बस आज खाने पीने का ब्लॉग शेयर करके आप लोगों को अच्छा लगा, प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कर मेरा चैनल को। बहुत ज़्यादा गर्मी है, मैंने हेयर वॉश किया था, अभी तक बाल मेरे गीले ही हैं, तो ऐसे ही मैंने ऊपर कर रखा है। तो लड्डू गोपाल को भोग लगाने के बाद मैं लग गई सबसे पहले मम्मी डैडी को, तो मैं ले गई, तो मम्मी तो थी, डैडी जी थे अपने चैम्बर में, तो मैंने मम्मी को दिया, फिर जब डैडी जी आए तो डैडी जी को दिया, और बहुत ही अच्छा और टेस्टी बना था। और आप इसे फ्रिज में रख के 2-3 दिन तक आराम से खा सकते हैं स्टोर करके, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। फिर यहाँ पे यक्षु का आप लोग डांस देख सकते हैं, ये जो न्यू सॉन्ग आया है पुष्पा पुष्पा वाला, उस पर ये डांस कर रहे थे, तो बस थोड़ी सी क्लिप मैंने ऐड कर दी। आई होप मेरा ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगता होगा, प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कर देना। इन लोग की आइसक्रीम पार्टी हो रही है रूम में, एसी चल रहा है और सब मस्त आइसक्रीम पार्टी कर रहे हैं, शैडोवर्णी में है और चॉको आइसक्रीम खा रहा है। ये लो यक्षु तुम प्लेट में रख लो, और यक्षु अपना वाला खा रहे हैं, ये चॉकलेट ही खाते हैं, हम लोग बटर स्कॉच खा रहे हैं, मम्मी डैडी को दे दिए हैं, थैंक यू सो मच। और ये भी हैं, तो ये ब्रेक लिए हैं अपना काम से, और हम लोग को ट्रीट दे रहे हैं आइसक्रीम की। कैसा है? नाइस नाइस बिल्कुल। ये देखिए यक्षु को, ठीक है ना, फेस दिखा दो, फेस पुष्पा। अरे ये पूछ तो लो, लटक गई थी। हो गया शाम का टाइम, और अभी जस्ट चाय वगैरह सब लोगों ने किया है, और आज मैं दही भल्ले बनाई थी, बहुत ज्यादा टेस्टी बना था, मम्मी बहन को दी है, और ये भी खाए, दो बार खा चुके हैं, ज़्यादा टेस्टी बना, पनीर खाया था, और ये मेरा वोट वाला भी देखिए निकल ले रहा है। पर आप लोग सोच रहे हो मैं इतना अस्त व्यस्त यहाँ पर रहती हूँ, तो बस ऐसे ही रहती हूँ, ये इतनी ज़्यादा गर्मी है जैसे कपड़े वगैरह भी, मतलब हैवी तो कुछ पहनने का मन नहीं होता है, तो इसीलिए कम्फर्ट महसूस हो रहा है मुझे। और अभी हेयर वॉश किया था तो अभी अच्छे से कंटी भी नहीं किया था, वैसे ही बाल छू गया मेरे, और बस अभी आए हैं मामा जी, तो वो बाहर वाले रूम में बैठे हुए हैं, कुछ बातचीत हो रही है, और बच्चे अंदर खेल रहे हैं, तो आप लोग मेरे फ्रेंडों की आइसक्रीम पार्टी हुई है आज। तो बस छोटा सा ब्लॉग आप लोग साथ शेयर करना, प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना। और ये अभी मेरे हस्बैंड ने ऐसे जब भी उनको मतलब चेंज पैसे वगैरह का मिले, मतलब मार्केट करते हैं कहीं मिलता है, बस ऐसे ही मैं ऐसे ही हाथ में रखी हूँ।